नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करेंगे। और दोस्तों बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की नई जो लिस्ट जारी हुई है उसको लेकर। दोस्तों आपको बता दें कि इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूं और अब एक बार फिर से भी आपको बता देता हूं कि इस लिस्ट में कौन से लोगों के नाम दिखाई देंगे। दोस्तों आपको बता दें कि अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो ओरिजिनल वेबसाइट है उस वेबसाइट पर एक नया ऑप्शन जोड़ दिया गया है, बेनिफिशियरी स्टेटस, यानी आप अपना स्टेटस है वो देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप आधार नंबर से देख सकते हैं, अकाउंट नंबर से देख सकते हैं, मोबाइल नंबर से, लेकिन दोस्तों कुछ लोगों के यहाँ पे नाम नहीं आ रहे हैं या फिर आधार नंबर डालने पे यहाँ पे डिटेल नहीं शो कर रहा है, मोबाइल नंबर डालने पे शो नहीं कर रहा है और अकाउंट नंबर डालने पर भी डिटेल है वो शो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे कौन से नाम शो होंगे। देखिए हर राज्य के अंदर अलग अलग तरीके से फॉर्म भरे गए थे, लेकिन यहाँ पे वही नाम शो होंगे जो आपके राज्य से आपका फॉर्म अप्रूव होके केंद्र सरकार के पास चला गया था, यानी आपके राज्य सरकार ने आपका फॉर्म अप्रूव कर दिया था और उस फॉर्म को आगे केंद्र सरकार के पास भेज दिया था, वही फॉर्म यहाँ पे शो होंगे। अगर आपका फॉर्म आपके राज्य में ही रिजेक्ट हो गया तो यहाँ पे शो नहीं होगा, या फिर आपका फॉर्म अभी भी आपके राज्य में पेंडिंग में चल रहा है तो वो यहाँ पे शो नहीं होगा, यहाँ पे वही शो होगा चाहे आपको किस्त मिली हो या नहीं मिली हो। लेकिन आपका डाटा अगर केंद्र सरकार के पास गया है तो यहाँ पे शो हो जाएगा, और अगर आपका डाटा केंद्र सरकार के पास नहीं गया है तो यहाँ पे शो नहीं होगा, या फिर आपके राज्य सरकार ने ही आपका फॉर्म मतलब आपके कलेक्टर या पटवारी जो भी लेखपाल जिसने रिजेक्ट कर दिया होगा तो यहाँ पे शो नहीं होगा, यहाँ पे वही डाटा शो होगा जो केंद्र सरकार के पास गया है। आपकी राज्य सरकार ने जितने भी डाटा केंद्र सरकार को भेजे हैं उन सब का डाटा यहाँ पे शो करवा दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से चेक कर देता हूँ यहाँ पे आधार नंबर डाल के, जैसे यहाँ पे मैं आधार नंबर डाल रहा हूँ तो मैंने जैसे यहाँ पे आधार नंबर डाल के और यहाँ पे डाटा पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे नीचे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, फार्मर्स नेम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, अकाउंट नंबर, राज्य का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, विलेज का नाम और रजिस्ट्रेशन जो संख्या है वो यहाँ पे आ जाएगी, और रजिस्ट्रेशन डेट है वो यहाँ पे आ जाएगी, इतनी तारीख को रजिस्ट्रेशन किया था। फिर यहाँ पे PFMS बैंक स्टेटस है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी पहली किस्त है वो यहाँ पे डन दिखा रहा है, इतनी तारीख को पहली किस्त है वो मिल चुकी थी। दूसरी किस्त है वो स्टेट फॉर सेकेंड इनरोलमेंट, मतलब यहाँ पे दूसरी किस्त है वो वेटिंग में चल रही है और तीसरी किस्त आएगी, ऐसे इस तरीके से यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आप इसकी प्रिंट भी ले सकते हैं, ये प्रिंट भी ऑप्शन यहाँ पे आता है प्रिंट लेने का, तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं इसे। तो दोस्तों इस तरीके से आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की लिस्ट देख सकते हैं। अगर आपका फॉर्म अप्रूव हो गया था तो यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपको पहली किस्त, दूसरी किस्त कब मिलेगी, मिल चुकी है, कितनी मिल चुकी है, वो यहाँ पे आपको शो करवा दिया जाएगा। जो भी अगर आपका डाटा केंद्र सरकार के पास गया है तो यहाँ पे आपको शो कर देगा। अगर आपका फॉर्म आपके स्टेट में ही रिजेक्ट हो गया है या फिर अभी पेंडिंग में चल रहा है तो यहाँ पे शो नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की लिस्ट है वो चेक कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट यहां पे आ सकते हैं। अब डिस्क्रिप्शन कैसे ओपन होती है दोस्तों वो मैं यहां पे आपको बता देता हूं। डिस्क्रिप्शन मान लीजिए आप ये वीडियो देख रहे हैं और इसके नीचे जो यहां पे ये जो टाइटल देख रहे हैं इस टाइटल पे आप क्लिक करते ही नीचे डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाती है मोबाइल में, ये कंप्यूटर में अलग तरीके से ओपन हो जाती है, लेकिन मोबाइल में ये जो टाइटल है इस पर क्लिक करते ही ये नीचे ओपन हो जाती है। यहाँ पे आपको ये लिंक मिलता है, इस पर क्लिक करते ही आप यहाँ पे आओगे। यहाँ पे ये दी गई जानकारी पढ़ने के बाद में यहाँ पे pmkisan.gov.benefit-status.apx यहाँ पे आप क्लिक करते ही आप यहाँ पे आ जाओगे और यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर। तो यहाँ पे आधार पर क्लिक करके यहाँ पे आधार नंबर डाल के यहाँ पे आपको गेट डाटा पे क्लिक करना है, बस सिंपल सी प्रोसेस है, आप अपने मोबाइल के जरिए भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, आने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।